कुम्हार अपने गधे को लेके जा रहा था, गधे को लेके चलता गया तो उसको रास्ते में एक मिट्टी में सना हुआ एक पत्थर पड़ा हुआ था। जो पत्थर पड़ा हुआ था वो पत्थर पे लात मारता गया वो मिट्टी उतरती गई, थोड़ी दूर जाके वो चमकने लग गई। तो उसने कहा ये कैसा चमकीला पत्थर है। उसने वो पत्थर उठाया, गधे की जो झोली होती है उस पर रख दिया। रखने के बाद वो चलता गया, एक जौहरी ने देखा इतना चमकदार पत्थर, अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ देख रहा था खिड़की में से, देखा अरे पत्थर ये तो कुछ हीरे ऐसा लग रहा है। भागा कुम्हार के पास आया, बोला अरे कुम्हार रुक, ये बेकार का पत्थर कहां लिए जा रहा है गधे पे लाद के, क्या करेगा इसका। कह रहा जी कुछ नहीं, अलग था पत्थर से तो मैंने रख लिया। कहते इतने का देगा। कह रहा जी देखो मैं इसको 2 किलोमीटर दूर से लेके आया हूं, 2 रुपए तो लूंगा, 1 रुपए किलोमीटर की एवरेज लगा लो यार। कहते 2 किलोमीटर दूर से लेके आया हूं, मेरे गधे को भी अनाज दूंगा, मैं भी कुछ खाऊंगा, 2 रुपए का दूंगा। तो कहता नहीं, ये पत्थर के 2 रुपए लेगा, 1 रुपए में देना तो बता। कहता नहीं जी मेरा क्या, मैंने भाई कहते ना कहीं से कुम्हार तो गधे पे नहीं चढ़ता, अगर कुम्हार को कौन गधे पे बैठ जा तो नहीं बैठेगा, और वैसे पूरी यात्रा कर लेगा उस पर बैठ के। तो उसने कहा कि भाई 2 रुपए नहीं, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, लेना है तो ले ले। वो कहता नहीं मेरे को नहीं देना, और बोलते कहता चल जा नहीं देना तो भाग यहां से। वो और 3 किलोमीटर आगे चला जाता है। फिर वो जो जौहरी है वो सोचता है यार लगता है इसको पता नहीं है हीरा है, 2 रुपए का भी कोई घाटा नहीं है, कम से कम 100 रुपए का तो होगा, उस समय की बात है कि 2 रुपए का भी कोई घाटा। अरे 2 रुपए की चीज 100 रुपए की बिक्री है यार, 2 रुपए का 2.5 रुपए में बेचना मुश्किल हो जाता है आजकल तो। 2 रुपए की चीज 100 रुपए की बिक्री, कोई घाटा नहीं है। दौड़ा 3 किलोमीटर जाता है, कहता ला भाई वो चल 2 रुपए ले ले ला दे। कहता तुम्हें 5 किलोमीटर आ गया जब दो, मैंने कहा था ना 2 किलोमीटर आया 2 रुपए के ले लूंगा। कहता चल तू 5 ले ला दे। कहते लेकिन ये तो मैंने दे दिया। कहता किसे। कह रहा जो ये झोरी है सामने से ये आया, मैंने कहा 5 रुपए का दूंगा, तो उसने 5 रुपए के अलावा 10 रुपए दे के 5 रुपए हीरे के और 5 रुपए तू चीज खा ली हो, तो मैंने उसको दे दिया। कहता अरे बेवकूफ, अबे 100 रुपए का हीरा था ये, बेवकूफ कहीं का, 10 रुपए में दे दिया। कह रहा तुझे तो मैं 2 रुपए में दे रहा था। और बड़ी बात जो उसने बोली, तू मुझे बेवकूफ कह रहा, बेवकूफ तो मैं नहीं हूं, मेरे लिए तो 2 रुपए ही भले थे, बेवकूफ तू है, मेरे लिए तो 2 रुपए की वैल्यू भी ओके थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो हीरा है, ये तो तूने बताया मुझे, बेवकूफ तू है क्योंकि तुझे पता था ये हीरा 100 रुपए का है और तूने 2 रुपए में नहीं खरीदा। तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज ना हर व्यक्ति के सामने जीवन में आती है, लेकिन हम वो लुढ़काते ना कई बार लुढ़काते ही रह जाते हैं उसको। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, जो लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको देखते के साथ ग्रैब करेंगे, और वही लोग विजेता बनेंगे।